सर, यही लोकेशन। तोड़ दरवाजा। दोनों को ढूंढो। सर अंदर कोई नहीं है। बाहर ढूंढो, आसपास सभी तरफ देखना, बच्चे यहीं की होनी चाहिए। सर नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जब बच्चे किसी अपराध का शिकार होते हैं या नासमझी में उनसे कोई अपराध हो जाता है तो ये दोनों ही स्थितियां काफी सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि बच्चे परिवार, समाज और हमारे देश का भविष्य होते हैं। ये केस बच्चों के कुछ ऐसे ही चिंताजनक पहलुओं से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये बच्चे थे कौन? क्या ये पुलिस से छिप रहे थे या फिर किसी ने इन्हें छुपा कर रखा हुआ था? ये केस अलाहाबाद का था, लेकिन इसी से मिलता जुलता एक दूसरा केस बहुत जल्द रामनगर उत्तराखंड में भी आने वाला था। सब बॉडी एक लकड़ी काटने वाले ने देखी थी, विदेशी महिला की लाश है। सर पहचान ना पता चले इसलिए बॉडी को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन बारिश होने के कारण बॉडी पूरी तरह से जली नहीं है। आसपास और कोई क्लू मिला जिससे इसकी कोई पहचान हो सके? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला। चेहरे से तो इसकी पहचान कर पाना मुश्किल है, लेकिन शायद इस टैटू से कोई लीड मिले। गुंजन, आसपास जितने भी होटल, लॉजेस और गेस्ट हाउस हैं वहां से पता करो, ऐसी कोई फॉरनर ठहरी हुई थी जो मिसिंग है? यस सर। जल्द ही उस अज्ञात महिला की पहचान में जुट गई जिसके विदेशी सैलानी होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त इस महिला की पहचान की कोई लीड नहीं मिल पाई थी। और उसकी हत्या का एक केस ऐसे कई और अपराधों से भी जुड़ने वाला था जिसमें इंसानियत की हदें भी पार की जा चुकी थी। सर, जिस औरत की लाश हमें जंगल में मिली ये उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर उस लड़की की मौत हमें लाश मिलने से एक रात पहले सांप के जहर से हुई है। सांप का जहर? हाँ सर, लेकिन सर उसकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी सांप के काटने का कोई निशान नहीं है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके नेक में सिरिंज घुसा के उसकी पूरी बॉडी में स्नेक पॉइजन इंजेक्ट किया गया था। लेकिन इस लड़की को इस तरीके से सांप का जहर दे के मारा गया, इसके पीछे किसी का मकसद क्या हो सकता है? सर वो तो तभी पता चल पाएगा जब उसकी पहचान हो पाएगी। सर आसपास के सारे होटल्स, लॉजेस, रेस्टोरेंट सब जगह पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की की उम्र कितनी थी? सर 20 से 25 साल। 20 से 25 साल। गुंजन, उन होटल्स और लॉजेस में से ये पता करो कि हत्या के कुछ दिन पहले के दिनों में 20 से 25 साल की कोई विदेशी लड़की जिसके हाथ पर इस तरह का टैटू हो उसने वहां से चेकआउट किया था, और वहां की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करना, देखो शायद कोई लीड मिले। यस सर। बच्चे जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं उनकी सोच और समझ भी वैसे ही बनने लगती है। एक तरफ गुड़िया अपने पिता के पारस मणि पाने के अंधविश्वास की साक्षी बन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी माँ के तंत्र के ढकोसलों से तंग था। छोटू अनाथ था लेकिन उसमें पढ़ने की जिज्ञासा थी, पर इन बच्चों को सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। पर इनके दुख, तकलीफ और मजबूरी का फायदा उठाने वाले कई थे। आसपास की पूछताछ में पुलिस को एक रिवर व्यू नाम की लॉज से एक विदेशी महिला के ठहरे होने की जानकारी मिली जिसका नाम मार्था था और जिसकी बांह पर बिल्कुल वैसा ही टैटू था जैसा कि टैटू उस विदेशी महिला की बांह पर था जिसकी लाश उन्हें जंगल में मिली थी। सर मार्था हमारे यहाँ 15 दिन रुकी थी, तभी उसके हाथ में ये टैटू देखा था। मार्था रहने वाली कहाँ की थी? सर उसके पासपोर्ट पे यूके का एड्रेस था। दिखाइए। सर
सर, चेकआउट करने के बाद वो देहरादून जाने वाली थी। देहरादून की लॉज की बुकिंग भी मैंने ही कराई थी, लेकिन मैंने अभी पता किया मार्था ने उस लॉज में चेक इन किया ही नहीं। सर, हमें जिस लड़की की लाश मिली वो देहरादून हाईवे के पास वाले जंगल से ही मिली थी। जिस दिन मार्था ने यहाँ से चेकआउट किया था उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। सर, ये टैटू तो बिल्कुल वैसा ही है। सर, हो सकता है यही मार्था हो। आपने कहा यहाँ से चेकआउट के बाद वो देहरादून जाने वाली थी, तो देहरादून जाने के लिए उसने कोई कैब बुक की थी? जी नहीं, यहाँ से उसने कोई कैब बुक नहीं किया था। हो सकता है वो बस से गई हो। कुमार, जिस दिन मार्था ने यहाँ से चेकआउट किया था उस दिन रामनगर से देहरादून जाने वाली सभी बसों और कैब्स की डिटेल्स निकालो। उनके ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ करो। सर। गुंजन, तुम यूके एम्बेसी में मार्था की डिटेल देकर ये पता लगाने की कोशिश करो कि जब हमें वो लाश मिली थी उसके बाद से मार्था अपने किसी रिलेटिव के टच में थी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो डेड बॉडी हमें मिली वो मार्था की थी या किसी और की। यस सर। आपने कहा कि मार्था आपके यहाँ 15 दिन रुकी थी, उस दौरान उसे कोई मिलने आता था? सर, हमारे लॉज में यूके के और भी गेस्ट रुके हुए हैं, हमने उनको आपस में बात करते हुए देखा था। पुलिस ने जब उन विदेशी पर्यटकों से बातचीत की तो सामने आया कि मार्था उन विदेशी पर्यटकों के देश से तो थी, लेकिन मार्था से उनकी मुलाकात भारत में ही हुई थी। और उनसे की गई पूछताछ से ये संभावना और पुख्ता होने लगी कि जो लाश पुलिस को मिली थी वो मार्था ही होगी। पुलिस हर तरह से उस अपराध का पता लगाने की कोशिश कर रही थी जो मार्था से जुड़ा हो सकता था, लेकिन इस वक्त कोई लीड नहीं थी। और ये सवाल भी उठ रहा था कि अगर एक विदेशी महिला की हत्या लूट और चोरी के इरादे से भी की गई हो तो उसे मारने के लिए उसकी बॉडी में सांप का जहर क्यों इंजेक्ट किया गया, और उसकी बॉडी को जलाने के पीछे अपराधी की क्या मंशा थी। सर, मैंने मार्था की डिटेल्स यूके एम्बेसी में मेल करती है, अब अगर वो मार्था है तो हमें। लॉज के मैनेजर का फोन आया था, वो बोल रहा था उसे स्टाफ से पता चला है कि मार्था के चेकआउट करने के अगले दिन एक बच्चा लॉज में गया था। बच्चा? हाँ सर। सर, ये बच्चा मार्था के बारे में बात कर रहा था जिसने एक दिन पहले ही चेकआउट किया था। सर, मैं इस बच्चे को जानती हूँ, ये रसौली मार्केट में फूल बेचता है। सर, इस बच्चे को मार्था के साथ एक बार मैंने लॉन्च में बात करते भी देखा था। लेकिन सवाल ये उठता है गुंजन कि ये लड़का मार्था के चेकआउट करने के बाद मार्था के बारे में क्या पूछने आया था। सर, उसी से पूछ लेते हैं। बेटा, वो छोटू कहाँ है, वो जो फूल बेचता है? मैडम, छोटू को तो मैंने सुबह से नहीं देखा। कहाँ रहता है वो? मैडम, उसका घर नहीं है, तो गांव में जो मंदिर है ना वहाँ सोता है। छोटू अब कहाँ था इसकी फिलहाल कोई लीड नहीं मिली थी, पर ये साफ था कि छोटू पिछले दिनों मार्था से मिल रहा था। सर, पूछताछ में पता चला है कि छोटू से अक्सर एक विदेशी महिला मिलने आया करती थी, हो सकता है वही मार्था हो। लेकिन छोटू का उस लॉज में जाने का क्या रीजन था जहाँ मार्था ठहरी हुई थी, और अब अचानक छोटू के गायब होने का क्या चक्कर है? गुंजन, ये छोटू है कौन? सर, छोटू पहले भीख मांगा करता था, लेकिन रेट पड़ने के बाद वो फूल बेचने लग गया। सर, पता चला छोटू की दोस्ती किसी आकाश नाम के लड़के से थी जो पास ही के बस्ती में रहता है। हेलो सर, पास के जंगल में बच्चे की लाश मिली है। कोई जानता है इस बच्चे को? मैडम, ये भूती माई का बेटा है, आकाश नाम है इसका। आकाश? कुमार, तुमने बताया था छोटू का एक दोस्त था आकाश, ये वही आकाश है? हाँ साहब, छोटू भी इसी बस्ती में रहता है। आकाश और छोटू दोनों दोस्त थे। इसकी माँ कहाँ रहती है?
किसने किसने मारा मेरे बेटे को? आकाश की बॉडी पर किसी तरह के घाव तो नहीं थे। अब ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या थी। पोस्टमार्टम? इसका मतलब आप मेरे बेटे की लाश के साथ चीरफाड़ करोगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप मेरे बेटे को वापस दीजिए। मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए बस। एक मिनट, बिना पोस्टमार्टम के हम आपको आकाश की बॉडी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ये छोटू के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी हमें। छोटू? क्या उस कमीने ने मारा है मेरे बेटे को? हाँ? हमें छोटू की तलाश है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि छोटू ने ही आकाश को मारा? साहब, छोटू आकाश से चिढ़ता था। मैंने कई बार आकाश को मना किया सड़क छाप लड़के से मत मिल, पर आकाश आकाश मेरी बात नहीं माना। और अब देखिए, हम देखिए क्या हो गया। आकाश की मां छोटू पर आकाश की हत्या का आरोप लगा रही थी। तो क्या छोटू हत्या करके फरार था? यूके एम्बेसी से मिली मार्था की जानकारी भी ये साफ कर रही थी कि जिस विदेशी महिला की लाश पुलिस को मिली थी वो मार्था ही थी, क्योंकि हत्या के बाद से ही ना तो मार्था का फोन एक्टिव था, ना वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव थी, और ना ही उसने यूके में अपने रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट किया था। लेकिन मार्था देहरादून क्यों जाने वाली थी, और उसकी पहचान पता चलने के बाद से छोटू कहां गायब था? क्या आकाश और मार्था की हत्या से वाकई में छोटू का कोई कनेक्शन था? मैंने आकाश और छोटू के बारे में सब कुछ पता किया। आकाश और छोटू के बीच में सांप पकड़ने का कंपटीशन होता था, जिसमें बेटिंग भी लगती थी। What? हाँ सर, सर यही वो सर्प मित्र है जिसने दोनों को सांप पकड़ना सिखाया, और यही उस पे बेटिंग लगवाता था। सर, आकाश के मर्डर के बाद ये सर्प मित्र भी गायब है और उसका फोन भी बंद है। मार्था की बॉडी में स्नेक पॉइजन इंजेक्ट किया गया था, और आकाश की बॉडी पर भी किसी एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं मिले हैं। हो सकता है आकाश को भी उसी तरीके से मारा गया हो। लेकिन गुंजन, आकाश और मार्था, इन दोनों की मौत का आपस में कोई कनेक्शन है? सर, पूछताछ में तो ये पता चला है कि आकाश और छोटू के बीच में कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था, और छोटू मार्था से मिल रहा था। अब छोटू भी गायब है और सर्प मित्र भी। इस सर्प मित्र को ढूंढो, मुझे लगता है इन हत्याओं में उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, इसलिए ये गायब है। सर, हेलो मैडम, छोटू मिल गया है। आज रसौली मार्केट में फिर से फूल बेचने आया वो। मैडम, जंगल में एक मंदिर है, मैं वहाँ पहले अपनी माँ के साथ रहता था, दो दिन से वहीं था मैं। वो सर्प मित्र भी तुम्हारे साथ था? नहीं मैडम, वो मेरे साथ नहीं थे। तो फिर कहाँ है वो? मालूम नहीं मैडम, लेकिन उस्ताद ने बोला था वो थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं। कहाँ? वो पता नहीं मुझे। तुम मार्था को जानते हो? मार्था मैडम? हाँ साहब, बहुत अच्छी है वो, मुझसे फूल खरीदती है। तुम मार्था को उसके लॉज में मिलने गए थे? गया था, पर वो मिली नहीं। कहाँ है मार्था मैडम? मैं उन्हें काफ़ी टाइम से खोज रहा हूँ। क्यों खोज रहे हो? मार्था मैडम, हम जैसे फुटपाथ के बच्चों के साथ कोई डॉक्यू फिल्म बना रही थी। उन्होंने कहा था मैं भी टीवी पे आऊँगा, तो मैं इसलिए उन्हें खोज रहा हूँ। छोटू, हमसे कुछ छुपा नहीं रहे हो ना? नहीं साहब। तो तुम्हारा वो उस्ताद कहाँ है, वो सर्प मित्र जो तुमसे और आकाश से सांप पकड़ने का खेल खिलवाता था? साहब बोला ना, मुझे सच में नहीं मालूम। तो आकाश का मर्डर क्यों किया, बोलो क्यों मारा उसे? क्या आकाश मर गया? साहब ये क्या बोल रहे हो आप? आकाश की लाश मिली है हमें, और हमें पता चला है कि तुम्हारा उसके साथ झगड़ा हुआ था, तुम्हीं ने मारा ना उसे? साहब आकाश दोस्त था मेरा, मैं क्यों मारूंगा उसे? तो फिर किसने मारा, तुम्हारे उस्ताद ने? नहीं साहब, वो तो हमारे गुरु हैं, वो क्यों मारेंगे आकाश को? साहब मुझे तो लगता है आकाश की माँ ने उसके साथ कुछ किया होगा। वो उसके साथ कोई तंत्र मंत्र भी कर रही थी। तंत्र मंत्र? हाँ साहब, मैंने कई बार देखा है। साहब वो मंत्र फूंक के कुछ तो बनाती थी, फिर वो काढ़ा आकाश को पिलाती थी।
ले पी। इसी वजह से आकाश अपनी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद करता था। वो उसे जबरदस्ती रोज वो काढ़ा पिलाती थी। लेकिन वो पिलाती क्या थी साहब ये तो पता नहीं, लेकिन जब से आकाश वो काढ़ा पीने लगा था वो एकदम गुस्सैल सा हो गया था। सर छोटू का ये बयान सही है कि मार्था इंडिया में बच्चों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में आई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुंजन कि छोटू अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है। नजर रखना इस पर और उस सर्प मित्र के बारे में पता लगाने की कोशिश करो। हो सकता है छोटू जानता हो कि वो कहाँ है और उसी ने छोटू को यहाँ सब कुछ सिखा के भेजा हो। और इस छोटू का वो बयान कि आकाश की माँ कुछ तंत्र मंत्र करके उसे कुछ पिला रही थी उसे कन्फर्म करो। और आकाश की माँ भूती माई के बारे में सब कुछ पता करना। मार्था और आकाश की हत्या में सर्प मित्र की भूमिका का संदेह उसके अचानक गायब हो जाने से पुख्ता हो रहा था। एक तरफ पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी तो वहीं छोटू पर भी नजर रखी जा रही थी। गुड़िया मेरे पास कोई पारस मणि नहीं है। मेरे उस्ताद बोलते कि आप ऐसा कोई भी सांप नहीं जिसके मुझे पारस मणि हो। ऐसे सांप पाताल लोक में होते। ये पाताल लोक कहाँ है मुझे नहीं मालूम। हेलो मैडम, आकाश की माँ ने शवगृह से आकाश की बॉडी चुराने की कोशिश की है। उसे थाने लेके आ। मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी। मुझे मेरे बेटे की लाश दे दो। इसीलिए उसका पोस्टमार्टम नहीं होने देना चाहती क्योंकि तूने उसे कुछ पिला के मारा है। मैंने कुछ नहीं किया साहब। बॉडी चुराने की कोशिश तो की और हमने सुना है तो उसके साथ कुछ तंत्र मंत्र करती थी। हाँ करती थी, लेकिन उसे बचाने के लिए। उस पर कोई बुरा साया था। कैसा बुरा साया? उसकी कुंडली में खराबी थी। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि वो अल्प आयु है। मैं तंत्र से उसकी नियति को बदलना चाहती थी लेकिन नहीं बदल पाई। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। मुझे मेरे बेटे की लाश दे दो बस। लेकिन अब तो तेरा बेटा मर चुका है, उसकी लाश लेके क्या करेगी तू? उसे जिंदा करूंगी। क्या? हाँ, तंत्र में बहुत ताकत होती है और मैं ऐसा तंत्र जानती हूँ जिससे मुर्दे को भी जिंदा कर सकती हूँ। आकाश की माँ जो दावा कर रही थी वो उसके अंधविश्वास की मूर्खता ही थी या फिर वो झूठी दलील देकर अपने अपराध को छिपाने की कोशिश कर रही थी? आकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हो गई कि आकाश की हत्या भी जहर इंजेक्ट करके ही की गई थी जिस तरह से मार्था को मारा गया था। और जब पुलिस ने आकाश के घर की छानबीन की। पूरा घर छान मारो। राकेश, ये फोटोज देख के लग रहा है ये मार्था का कैमरा है। वहां से एक विदेशी कैमरा बरामद हुआ जो कि मार्था का था और उस कैमरे में कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स मिले जिनमें आकाश की माँ के साथ एक ऐसा शख्स था जो मार्था को जानता था। सर, भूति के कमरे में स्नेक पॉइजन रिलेटेड कोई भी क्लू नहीं मिला, लेकिन ये कैमरा मिला है। ये मार्था का कैमरा है और उसमें काफी सारे फोटोज क्लिक्ड है जिसमें भूति इस आदमी के साथ है। सर, इस आदमी का नाम आनंद है, ये टूरिस्ट गाइड है और रिवरव्यू लॉज के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में ये भी मार्था से मिलते हुए देखा गया है। सर, मार्था को गाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उसे पहले से सब कुछ पता था। तो फिर तू मार्था को मिलने उस लॉज में भी जाता था? सर, मैं तो उस लॉज में दूसरे टूरिस्ट से मिलने जाता था जो उसके देश से थे। वही मेरी मुलाकात मार्था से हुई। और मार्था का कैमरा वो आकाश की माँ के पास कैसे पहुंचा? उसने जबरदस्ती हमारी फोटो खींची थी।
इसलिए मैंने उसका कैमरा छीना था। लेकिन इस आनंद के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? फोप सर, एक्चुअली मेरा और भूति का अफेयर है। हाँ, मेरा आनंद के साथ चक्कर है। मेरा मर्द मर चुका है। अगर मैं आनंद को पसंद करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? वो गलत नहीं है, लेकिन अपना राज छुपाने के लिए तुमने जो मार्था को मारा है वो गलत है। ये आप लोग क्या बोल रहे हो? कभी कहते हो कि मैंने अपने बेटे को मार दिया, कभी कहते हो कि उस फिरंगी को मार दिया। मैं क्या शक्ल से आप लोग को खूनी लगती हूँ? वो जहर और सिरिंज कहाँ है जिनसे उनको मारा? कौन सा जहर, कौन सा सिरिंज? मैंने किसी को नहीं मारा। सर, ये विदेशी तो मेरे लिए भगवान है। इनकी वजह से मेरे जैसे गाइड का पेट पलता है। भला इतनी छोटी सी बात के लिए मैं मार्था को क्यों मारूंगा? सर मैं तो खुद शर्मिंदा था, इसलिए मैंने मार्था से माफी भी मांगी थी भूति के लिए। सर, भूति बहुत खड़ूस औरत है। मेरा इतना मना करने के बाद भी उसने वो कैमरा वापस नहीं किया उसका। इसने मेरी पारस मणि चुराई। सर, जिस सुबह मार्था ने रिवरव्यू लॉ से चेकआउट किया था, उस सुबह आनंद मार्था के देश के दूसरे लोगों के साथ खेताली में था। उन्होंने अलिबाई कंफर्म की है। आनंद के साथ देर रात तक था। आकाश की माँ भूति माई की अलिबाई भी कंफर्म करो। हो सकता है मार्था के मर्डर में उसका हाथ हो। हेलो। हाँ मैडम, छोटू को गांव के एक आदमी ने बहुत मारा है। मैडम, उससे बार बार सर्प मित्र और उस पारस मणि के बारे में पूछ रहा है। पारस मणि कौन है वो आदमी? पराग नाम है मैडम उसका। उसकी एक बेटी है गुड़िया, जो हमेशा उस छोटू से मिलती रहती है। सर, उस सर्प मित्र की इन्फॉर्मेशन मिली है। तू उन लोगों पे नजर रख, मैं बाद में बात करती हूँ। सर, जोगीपुर में एक सपेरू की बस्ती है। सर, इस वक्त वो जोगीपुर गांव में है। मैडम जी, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा विश्वास करिए। तो फिर भागा क्यों और फोन बंद करके क्यों रखा है? वो तो मैं पराग के डर से भाग गया था। एकदम पागल आदमी है मैडम जी। उसे वहम हो गया था कि मेरे आकाश के पास कोई पारस मनी है। इसके लिए उसने हम लोगों को बहुत परेशान किया मैडम जी। मुझे सांप दे। पागल है क्या? सांप दे इधर। मैंने कहा मुझे सांप दे। मुझे सांप दे। ये पागल क्या कर रहा है? मुझे सांप चाहिए, मुझे सांप चाहिए। इसके मुंह में पारस मणि है। किसने बोला तुमको कि इसके मुंह में पारस मणि है? कहीं तूने तो इसके मुंह से पारस मणि नहीं चुरा ली? मुझे सांप चाहिए, मुझे सांप दे, मुझे सांप। क्या कर रहे हो? अगर तूने मुझे सांप नहीं दिया और मुझे पारस मणि नहीं मिली तो मैं पुलिस में जाके ये बता दूंगा कि तू छोटू और आकाश से सांप पकड़वाने का चूहा खिलाता है। मैडम जी, वो मुझे जेल लगा रहा था, इसलिए मैं भाग गया था। सर्प मित्र बंसी अपने बयान पर कायम रहा कि उसने ना मार्था की हत्या की थी और ना ही आकाश की। पुलिस अब गुड़िया के पिता से मिलकर इन हत्याओं में उनकी भूमिका भी खंगाल रही थी। साहब, मैं नागों को जहर के लिए नहीं पकड़ता हूँ, पारस मणि के लिए पकड़ता हूँ। और उस नाग में पारस मणि थी, इसलिए मैंने आकाश और सर्प मित्र को पीटा था। लेकिन मैंने किसी को जान से नहीं मारा साहब। मैडम जी, पराग किसी को नहीं मार सकता, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे तो बस इतना ही लगता था कि वो सांप के मुंह से पारस मणि निकाल सकता है। लेकिन उसे ऐसा क्यों लगता है? एक बार उसने सपने में देखा था कि सांप के मुंह में पारस मणि है। फिर एक साधु ने पैसे ऐंठकर चार मंत्र दे दिए और कहा कि अगर ये मंत्र पढ़ेगा तो वो पारस मणि निकाल सकता है सांप के मुंह से। इस चक्कर में जान जोखिम में डालकर वो सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो उसे जहर वहर निकालने नहीं आता था मैडम जी। मैंने छोटू को भी पारस मणि के लिए पीटा था। मुझे लगता था कि वो आकाश से पारस मणि छीनकर उसे मारकर भाग गया है। चलो माना कि पारस मणि के लिए उसने छोटू को पीटा, लेकिन तुमने भी तो छोटू को थप्पड़ मारा था। वो मेरी गुड़िया को बहका रहा था, इसीलिए मैंने मारा, नहीं तो। देखो बेटा, डरो मत, जो भी है हमें खुल के बताओ,
मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुम छोटू से चोरी चिपकी क्यों मिलती थी? क्योंकि माँ को छोटू पसंद नहीं। क्यों? वो अनाथ है इसलिए, पर वो मेरा दोस्त है, मैं उसे पढ़ाती हूँ क्योंकि वो स्कूल नहीं जा सकता ना, इसलिए। तुम छोटू को पढ़ाती हो? हाँ मैडम, वो मुझे सांप पकड़ना सिखाता है, बल्ले मैं उसे पढ़ाती हूँ। तुम छोटू से सांप पकड़ना सीखती हो? पापा सांप पकड़ के पारस मणि निकालना चाहते हैं, इसलिए मैं सांप पकड़ के पापा को देना चाहती हूँ ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े और माँ उनको बंद ना रखे। गुड़िया का मासूम बयान छोटू की भी पैरवी कर रहा था और उसके पिता की भी, और जल्द ही इस केस में एक नया खुलासा हुआ। सर पता चला है कि मार्था ने देहरादून के डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि वो डीसी से मिलना चाहती है। लेकिन मार्था देहरादून के डिप्टी कमिश्नर से मिलना क्यों चाहती थी? सर इस बारे में तो चिट्ठी में कुछ भी नहीं लिखा। हेलो। हाँ मैडम जी, हाँ मेरी ना गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही है और वो छोटू भी कहीं दिख नहीं रहा है। जरूर जरूर वो लड़का मेरी लड़की को कहीं ले गया है। सर गुड़िया की माँ का फोन था, वो कह रही है कि गुड़िया नहीं मिल रही है, उसे लग रहा है कि छोटू ही उसे उठाकर लेकर गया है। इस बार छोटू ही नहीं, उसके साथ गुड़िया भी गायब थी, लेकिन वो खुद गायब हुए थे या उनको गायब करने के पीछे किसी और का हाथ था? नहीं साहब, गुड़िया को तो नहीं, उसके बाप को भूती माई के साथ झगड़ते हुए देखा था। तेरे वजह से मेरा मीठा मरा है, मैं तेरे और तेरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगी, सर्वनाश। सर मुझे ऐसा लगता है कि आकाश की मौत का बदला लेने के लिए उसकी माँ भूती माई ने गुड़िया को गायब किया। लेकिन गुंजन, गायब तो छोटू भी है। सर इस आदमी ने गुड़िया को छोटू के साथ जाते हुए देखा था, छोटू गुड़िया को लेकर जंगल की तरफ गया है। गुंजन, छोटू ने हमें बताया था कि जंगल में एक मंदिर है जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहता था, हो सकता है गुड़िया को लेकर वहीं गया हो। सब तरफ चेक करो। सर यहाँ पे आइए। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सर 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 गुड़िया कहीं नहीं मिल रही। गुड़िया को आखिरी बार छोटू के साथ देखा गया था, हो सकता है यहाँ भूती माई आई हो और भूती माई और आनंद ने मिलकर गुड़िया के साथ कुछ किया हो। आनंद और भूती माई दोनों को लेके आओ। सर हाँ बोलो कुमार। सर आनंद के घर पे ताला लगा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। ना मैंने गुड़िया और छोटू को कुछ किया है, ना मुझे पता है कि आनंद कहाँ है। सर आनंद को अपनी कार से गांव के बाहर की तरफ जाते हुए देखा गया था। लेट्स गो। एक तरफ छोटू के होश में आने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन गुड़िया कहाँ थी? इस केस में अब भी कुछ और खुलासे होने बाकी थे। सर मैं बताता हूँ उस दिन मैं मार्था को देहरादून लेके जाने वाला था, इसलिए मैं उससे लॉज के बाहर मिला। यहाँ क्यों रोका? अभी बताता हूँ तुझे, वो मुझे एक्सपोज करने वाली थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। ऐसा क्या एक्सपोज करने वाली थी? मैडम मैं अनाथ हूँ, गरीबी से परेशान था, खूब सारे पैसे कमाना चाहता था मैं, फिर एक दिन
आनंद मुझे मिला और उसने बोला कि अगर मैं उन फिरंगी लोगों के साथ वो फिरंगी लोग मेरे साथ गलत काम करते थे, आनंद मुझे इसके लिए पैसे दिया करता था। और आकाश को क्यों मारा? तू उससे भी ये सब करवाता था? नहीं सर, आकाश से नहीं, लेकिन सर आकाश को पता चल गया था कि मैं छोटू से ये सब करवाता था। आकाश कौन है छोटू, पागल हो गया क्या? तूने मेरे माँ को पागल किया, मैं कुछ नहीं कर पाया, पर तूने छोटू के साथ किया वो बहुत बुरा किया, इसके लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में दे दूंगा तुझे मैं। और गुड़िया सब गुड़िया को एक फिरंगी ने पसंद कर लिया था, इसलिए मैंने गुड़िया को, गुड़िया मुझसे जंगल में सांप पकड़ना सीखती थी और बदले में मुझे पढ़ाती थी, लेकिन आनंद जब उस दिन वहां आया, वरना वो फिरंगी लोग गुड़िया के साथ भी। कहाँ है गुड़िया, कहाँ है गुड़िया? गुंजन उस तरफ चेक कर। सर आनंद के चौंकाने वाले खुलासे के बाद गुड़िया और छोटू समेत कई और बच्चों के शारीरिक और मानसिक शोषण के इस अभद्र और अमानवीय अपराध का पर्दाफाश हुआ। इस केस से पहले सामने आया अलाहाबाद का केस भी ऐसे ही घिनौने अपराध से जुड़ा था। बच्चों के शोषण से जुड़े इस मामले के खिलाफ विदेशी मूल की मार्था ने बहुत पहले ही ये मुहिम छेड़नी चाहिए थी, लेकिन उसकी हत्या करके उसकी इस मुहिम को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन मार्था का यह जज्बा एक उदाहरण पेश करता है कि सच्चाई और मानवता के लिए लड़ने वाले सरहदें नहीं बल्कि इंसान और इंसानियत के उस सूत्र को रेखांकित करते हैं जो किसी देश या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जरूरी है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तब लगा कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में नहीं सोचूंगी मैं। अब तो मैं मुंबई आ गई, यहाँ कुछ बुरा नहीं होगा, यहाँ सब अच्छा ही होगा मेरे साथ। मुंबई सपनों का शहर, इतनी उम्मीदों के साथ आई थी मैं मुंबई में, तब सोचा भी नहीं था कि यहाँ रहना कितना मुश्किल होगा और उससे भी मुश्किल होगा। गौरी डरो मत, ठीक ठीक बताओ कि हुआ क्या था। मैं रोज बुआ को डब्बा देने आती हूँ और फिर डब्बा देकर कॉलेज जाती हूँ। आज भी मैं डब्बा देने आई थी, अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैंने सोचा कि मैं पहले डॉक्टर अंकल को दिखा दूंगी। गौरी को क्लिनिक में आते आते दोपहर हो गई, कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द था उसके, डरी हुई थी पर वाकई उसको बहुत दर्द हो रहा था। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब बैठ जाओ। हेलो सनबीनाश। गौरी गौरी, अरे
मैंने उसे बुलाने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं। वैसे डॉक्टर अंकल अच्छे से बात करते हैं मुझसे, वो मुझसे पढ़ाई के बारे में भी पूछते हैं और आज तो वो मुझे अपनी बेटी की बुक्स देने वाले थे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? कब से हो रहा है दर्द? अभी थोड़े टाइम से बहुत दर्द हो रहा है। आजा आजा, यहाँ आजा, लेट जाओ। हाँ बस 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 लेट जाओ। गुड गर्ल। वो नर्स दीदी वो आएंगी? आ जाएगी, वो आ जाएगी। अरे बहुत दर्द हो रहा है ना, तुम लेट जाओ, लेट जाओ। मुझे से इसी हालत में मिली थी, मैं समझ गई थी कि कुछ ऐसा वैसा हुआ। जब मैंने इसे पूछा तो उसने ये सब बताया। क्या किया तुमने गौरी के साथ? मैं पूछ रहा हूँ क्या किया तूने? एक बच्ची का बाप होकर ऐसा गंदा काम करता है तू? मारो इसे पकड़ के, हाथ मत लगाओ। चल क्या कर, मारो इसे। काही नहीं झालं, वो एक्चुअली मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ अभी। तो इतना क्या जरूरी है कि बिना नाश्ता किए जा रहे हो? अरे सर, अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ किया और वहाँ के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को भी चेक किया। सर फुटेज में कुछ खास हाथ नहीं लगा, लेकिन हाँ गौरी अस्पताल से निकलते हुए नजर आ रही है। उसका हाथ उसके पेट पे था और वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। स्टाफ से पूछताछ में कुछ कंक्लूसिव नहीं मिला, सब मिक्स बातें बता रहे। सर डॉक्टर शिरीष बहुत अच्छे हैं, वो सबकी बहुत हेल्प करते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं डॉक्टर भी नहीं बन पाती। वो ऐसा कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है सर। इतना अच्छा कोई होता है क्या? मतलब सर कुछ लोग अपनी अच्छाई को ज्यादा ही दिखाते हैं ताकि अपनी बुराई को छिपा सके, उन्हीं में से है ये डॉक्टर। मदर इससे तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, जब तक कोई सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। जी सर, पर डॉक्टर शिरीष काफी वेल कनेक्टेड भी है। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया, शहर के टॉप अस्पतालों से जुड़ा हुआ है। फिर 6 साल पहले इसने खुद का नर्सिंग होम खोला, बड़े लोगों तक पहुंचे इसके। इस केस को काफी होशियारी से डील करना होगा, कोई एक्शन नहीं ले सकते जब तक कोई सबूत ना। इस गौरी का बैकग्राउंड चेक करो ताकि ये गौरी साटम की मेडिकल रिपोर्ट। प्रभा ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये सब क्या कर रही हो? मत करो ये सब। तो क्या करूं, पर्दे खुले रखो? हाँ सब लोग देख रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर शिरीष यू आर अंडर अरेस्ट। क्या सर? मैंने आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बात सुनो शिरीष, शिरीष सर वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तूने उसे सिर्फ हाथ नहीं लगाया, उसका रेप किया। रेप? ये देख मेडिकल रिपोर्ट, तू तो डॉक्टर है ना, पढ़ ले। सर, सर पर ये मैंने नहीं किया। लेकिन गौरी तो तेरा ही नाम ले रही है। वो झूठ क्यों बोल रही है यही नहीं समझ में आ रहा है सर। सर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे फंसाया जा रहा है। कौन फंसाया? किसी से कोई दुश्मनी है? गौरी तेरा ही नाम क्यों लेगी? हेमा सर, गौरी की एक बुआ है हेमा, वो ये सब कर सकती है। वो जो तुम्हारे हॉस्पिटल में आया है वो? हाँ सर, 4 दिनों पहले उसे मैंने निकाल दिया था काम से। लेकिन जब गौरी के साथ ये सब हुआ तो वो वहाँ मौजूद थी? नोटिस पीरियड पे है सर, बहुत गुस्सा आया था उसे। गलती हो गई, सॉरी बोल रही हूँ ना सर, आगे से ऐसा नहीं होगा सर। ये सब तुम पहले भी बता चुकी हो मुझे। सर सच्ची, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ मत बोलो, मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, काम चला गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, सर प्लीज। साहब वो झूठ बोल रहा है,
नाटक कर रहा खुद को बचाने के लिए। मैं आलसी या लापरवाह नहीं, लापरवाह होती तो नर्सिंग लाइन में इतने साल तक टिकी नहीं रहती। साहब नर्सिंग होम छोटा पड़ रहा है और स्टाफ ज़्यादा है और पगार नहीं बढ़ रही, इसलिए वो स्टाफ को निकाल रहे हैं। बड़ा ही कमीना आदमी है सर वो, मेरी भूल से बच्ची दो दिन से कमरे में बंद है, शौक में। गलत तो हमारे साथ हो रहा है साहब, और आप हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं होता मुझसे। काश काश आई बाबा जिंदा होते तो ये सब नहीं होता। नफरत है मुझे इस जगह से, इन सब लोगों से, अपने आप से। चल सर। एक तरफ ये शिरीष हर बात को नकार रहा है और यहाँ हेमा, ऊपर से मेडिकल रिपोर्ट में हमें कोई सीमन के ट्रेसेस भी नहीं मिले जिसे हम मैच कर सके। कई रेप केसेस में ऐसा होता है, इसलिए कुछ प्रूव कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन हमें शिरीष के खिलाफ वाटर टाइट केस बनाना होगा। सर उसने ऑलरेडी बेल की एप्लीकेशन रजिस्टर कर दी है। मोस्टली बेल मिल भी सकती है क्योंकि रेपुटेशन अच्छी है, पास्ट रिकॉर्ड भी क्लीन होगा। जरा इस शिरीष के बारे में पूछताछ करो, अगर कुछ मिल गया तो ये केस पुख्ता हो जाएगा। जी सर। चलो ये डॉक्टर शिरीष की पुराने पेशेंट्स की लिस्ट, इनसे पूछताछ करो, डिटेल्स निकालो। मूव। हेलो, क्या कहाँ? सर आप उस लड़की को अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। बाप रेपिस्ट और बेटी पागल, ऐसे कोई मारता है? वो भी अपने ही दोस्त को। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? अदिति। अदिति अब साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था। हम लोग कॉलेज से घर आ रहे थे। अब तो डॉक्टर के पास जाना भी डेंजरस है बॉस। जाने देना प्रिया, चल स्टूपिड इडियट्स। अगर तू ऐसे ही रिएक्ट करेगी तो लोग तुझे और सताएंगे। तेरे पापा ऐसे हैं, पर उसमें तेरा क्या फॉल्ट? लेकिन तेरे पापा, अरे जब मैं अंकल के क्लिनिक में एंटर करती थी मुझे एक अजीब सी घबराहट होती थी, डर लगता था जिस तरह से वो टच करते थे। Stop it, Aditi, enough! बट प्रिया मैं सच बोल रही हूँ। I hate you. आ मम्मा। सर अब आपको एक्शन लेना ही होगा, आज मारा है कल खून ही कर दिया तो ऐसे तो वो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। अदिति जो कुछ भी तुमने कहा है क्या वो सच है? मेरा मतलब है प्रिया के पिता डॉक्टर शिरीष के बारे में। ऑब्वियसली सच है, और फिर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? शिरीष अंकल कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात करते थे और कुछ ज्यादा ही टच करते थे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ पता चलेगा तो हम आपको बता देंगे। सर इस प्रिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही होगा, जिस तरह उसने अदिति को मारा। She was provoked, मात्रे उसकी गलती नहीं है। अदिति की माँ से बात करके सारे चार्जेस ड्रॉप करो और प्रिया को स्टर्न वार्निंग देके मैटर क्लोज करो। ये डॉक्टर साहब अपने आप को जितना शरीफ बता रहे हैं उतना शरीफ है नहीं। उससे फिर से बात करो, शायद अदिति के बारे में सुन के वो अपनी शराफत का नाटक छोड़ दे। सर अपनी बेटी की दोस्त अदिति को भी नहीं छोड़ा तूने, कई कंप्लेंट्स आ रही हैं तेरे खिलाफ, बोल किस किस का गलत फ़ायदा उठाया? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। फिर अचानक से उसने कहीं और जाना शुरू क्यों किया? डॉक्टर क्यों बदला उसने? मैंने उसे कहा था, बार बार क्लिनिक आने लगी थी, फिर बार बार घर में आने लगी, प्रिया से मिलने के बहाने घर आती थी, मुझसे बात करने की कोशिश करती थी। प्रिया, अरे अंकल प्रिया है। प्रिया उसके रूम में स्टडी कर रही है, मैं उसको बुला दूँ? नहीं अंकल, एक्चुअली आप मुझे एक बार चेक करेंगे, फीवर जैसे लग रहा है। फीवर जैसे? पर दो तीन दिन पहले तो आप क्लिनिक आके गई। पर लेकिन ना अंकल कल रात से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है।
Is that so? Let me check. नहीं बेटा, you are absolutely fine. नहीं अंकल, आप तो एक बार अच्छे से चेक कीजिए ना. देखो आदिति बेटा, I can understand. इस उम्र में ऐसा होता है, अपने से ओल्डर उम्र की आदमी की तरफ अट्रैक्शन होता है, खासकर तुम्हारी सिचुएशन में. पर बेटा, यू हैव टू स्टॉप. आप बार बार क्लिनिक या घर में नहीं आ सकते. मैं कहाँ बार बार आती हूँ? आई डोंट, ऐसा कुछ है ही नहीं तो. Then it's good. मैं प्रिया को बुला देता हूँ. प्रिया, नहीं, it's okay. मैं उससे ना कॉलेज में बात कर लूंगी. ओके, बाय अंकल. बस सर, वो लास्ट दिन था. उसके बाद ना ही वो घर आई, ना ही क्लिनिक. ठीक है, लेकिन अगर इसमें से एक भी बात झूठ निकले ना, बहुत बुरा होगा. सर सर, ये सब कुछ खत्म हो सकता. आप सिर्फ मुझे एक बार गौरी से बात करने की इजाजत दे दीजिए. मैं उसे पूछूंगा क्यों झूठ बोल रही है. I'm sure वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी. सर, टेबल पर सर, डॉक्टर शिरीष अपनी वही बात दोहरा रहा है. थर्ड डिग्री के बाद भी? जी सर, और बिना किसी डीएनए एविडेंस या कोई पुख्ता सबूत के उसकी बात को पूरी तरह झुठला भी नहीं सकते. आई नो. ठीक है, तुम कोशिश करते रहो. लड़की ने पूरे होशो आवाज में सीधा एक्यूज किया. मैटर सीरियस भी है और सेंसिटिव भी, और गौरी नाबालिग है तो पॉक्सो भी लागू होगा. मात्र एक काम करो, शिरीष की सारी हिस्ट्री चेक करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा. और गौरी का बैकग्राउंड भी चेक करो. गौरी का? हो सकता है गौरी झूठ बोल रही हो, किसी और के डर से या किसी और को बचाने के लिए. ये एंगल भी चेक करना पड़ेगा. मात्र किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए. तो फैमिली ने कुछ बताया? उसकी फैमिली तो खुद डिप्रेस्ड है. क्रिमिनल क्राइम तो कर देता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि इसका उसके अपने परिवार पे क्या असर होगा, खास करके ऐसे मामलों. कल तक जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर का परिवार था, वो आज सारी दुनिया से मुँह छुपा के बैठा है. मिसेस रानडे, मुझे आपसे जरूरी बात करनी. मैं मिसेस रानडे नहीं हूँ. अरे प्रभा जी, एक मिनट सुन तो लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं. अरे प्रभा जी भाई जी, जल्दी मुझे बहुत जरूरी बात करनी है. प्रभा जी अरे शिरीष सब क्या? ये सब कब तक चलेगा? ये लोग क्यों तुम्हारे पीछे पड़े? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. शिरीष, लेकिन कोई तो सॉल्यूशन होगा, कोई तो रास्ता होगा. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु. लोग और ही अब प्रिया की दोस्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ. शिरीष काम डाउन, लेकिन एक रास्ता है. सर, डॉक्टर शिरीष का बैकग्राउंड चेक. एनीथिंग सिग्निफिकेंट? नथिंग सर, स्पॉटलेस कैरियर. कोई झगड़ा नहीं, कोई मिसकंडक्ट नहीं. पिछले 6 साल के उसके नर्सिंग होम के रिकॉर्ड्स को चेक किया, कुछ नहीं मिला. उसके पहले वो जिन अस्पतालों में जुड़ा था वहाँ बात, उसके पुराने पेशेंट से बात, कुछ नहीं मिला. बिल्कुल बेदाग है. वाकई बेदाग है या दाग छुपाने की कोशिश की गई? सर ऐसा लगता तो है नहीं. 6 साल पहले उसका एक लोकल नेता के साथ झगड़ा हुआ और वहाँ भी डॉक्टर शिरीष ने उस नेता के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की. इसके अलावा और कुछ नहीं. और गौरी? सर गौरी का बैकग्राउंड चेक चल रहा है, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ.
ये फोन किसका है? कारी का। कामली ये पन गया। सॉरी, मैंने झूठ बोला। आपने हमेशा मेरी हेल्प की, कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने आपके बारे में झूठ बोला और मुझसे सहन नहीं होता। मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। गौरी ने सुसाइड से पहले ये मैसेज भेजा डॉक्टर शिरीष के नंबर पे, जो फोन हमारी कस्टडी में है। मदर शौक में होने के बावजूद गौरी ने बहुत क्लियरली शिरीष पे रेप का इल्जाम लगाया था। वही लड़की अचानक सुसाइड। आपको लगता है कि ये सुसाइड स्टेज्ड है? सच पे पर्दा डालने के लिए, क्योंकि अगर वाकई शिरीष बेगुनाह है और किसी ने गौरी को उसका नाम लेने के लिए मजबूर किया है, तो आगे चल के गौरी उसके लिए खतरा बन सकती है। सर उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है डॉक्टर शिरीष गुनहगार हो और उसने अपने आप को बचाने के लिए गौरी को मरवा दिया और फिर गौरी के फोन से मैसेज भिजवा दिया। माद्री ये सुसाइड है या नहीं ये जाने बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। पता चल जाएगा सर, गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। तथाकथित आत्महत्या के चलते ह्यूमैनिटी नर्सिंग होम बलात्कार मामले ने एक नया मोड़ लिया। मम्मा, मम्मा ये देखो। मौके वारदात पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस कर्मियों ने ये आशंका जताई है कि ये आत्महत्या है या एक ऊंची समझी साजिश। डॉक्टर शिरीष रानाडे की फैमिली से संपर्क करने की सारी कोशिशें नाकाम रही। खुद पुलिस कस्टडी में डॉक्टर शिरीष रानाडे अपने आप को बेगुनाह होने का दावा कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे मैं देख रही हूँ ना टीवी, प्रॉब्लम क्या है तुमको? प्रॉब्लम क्या? ये प्रॉब्लम जो इतना जोर जोर से चला के रखती हो वहाँ हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स और घर पर तुम। तो मिनट चैन की सांस है तो लेने दो। एक मिनट, क्या झालक आया तुम्हारा? मैं रोज देख रही हूँ तुम्हारा चक्कर वक्कर चल रहा है ना किसी के साथ। सच बताओ, तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार है। लीव इट। सर, गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत 1:30 और 2 के बीच हुई है और वो मैसेज 2:15 को भेजा गया है। उसके बॉडी पे स्ट्रगल के निशान है, मतलब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की थी। सर ये तो क्लियर मर्डर है। मतलब गौरी को मारने के बाद उसके फ़ोन से वो मैसेज भेजा गया। तुम्हारा अंदाज़ा सही था, गौरी के मरने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो सकता? क्या गौरी उसने अपने आप को कैसे हुआ सर ये सब कुछ? कहना क्या चाहते हैं कि ये सब मैंने किया? हमने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। वैसे तू एक बात से तू इनकार नहीं कर सकता कि गौरी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुझे होगा, क्योंकि उसके भेजे हुए एसएमएस से तेरे सर पे लगा हुआ इल्जाम हट जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो मैसेज गौरी के मरने के बाद भेजा गया था। उसको मारने वाले ने उसके मोबाइल से वो मैसेज भेजा था। अब सवाल ये उठता है कि गौरी को मारने वाला तुझे क्यों बचाना चाहेगा? ये मुझे कैसे मालूम सर? और आपको क्या लग रहा है यहाँ से बैठे बैठे गौरी को? दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन तू बाहर किसी से करवा भी तो सकता है ना, दैट इज पॉसिबल। सर आपको लगता है कि ये सच बोल रहा है? मात्र जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता किसी की भी बात पे विश्वास करना मुश्किल है। ये डॉक्टर जब से लॉकअप में आया इससे कौन कौन मिलने के लिए आया था, किस किस से इसने बात की ये जरा पता करो। इसने लैंडलाइन भी कई बार यूज किया है। सर उस दिन उसकी वाइफ प्रभा रानाडे उससे मिलने आई। इस प्रभा के कॉल रिकॉर्ड, स्ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड सब निकालो और क्राइम सीन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसके साथ मैं मैच करके देखो। और गौरी के बैकग्राउंड चेक पे कोई अपडेट? सर उसकी रिपोर्ट आ गई, आपके टेबल पे रखवा दी है। गौरी की बुआ हेमा जहाँ जहाँ काम करती थी हमने हर उस जगह पे पूछताछ की। पिछले 2 साल में उसने करीब 4 से 5 नर्सिंग होम में काम किया है। हेमा है ना, वो सीनियर डॉक्टर है ना राव, उसके साथ ही मिलकर उसने कुछ गड़बड़ की है। मामले को तो बिल्कुल दबा दिया गया। वो है ना थोड़े दिन के बाद काम छोड़ के चली गई, पता नहीं फिर क्या हुआ। पागल हो गए थे डॉक्टर साहब उस लड़की के पीछे, अचानक से हेमा भी गायब और वो लड़की भी, पूरे देवदास हो गए थे डॉक्टर साहब। स्ट्रेंज, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम अब तक विक्टिम मान के चल रहे थे उसकी असलियत कुछ और ही है? ये जो 2 डॉक्टर्स के बारे में बात की, इनसे बात करो, इनसे पूछो कि ये सब रूमर्स है या वाकई इसमें कोई सच्चाई भी है। सर वो बच्ची नहीं थी सर, डोंट नो कि उसकी क्या प्रॉब्लम थी। वो खुद ही नर्सिंग होम आती थी, वो क्या नाम है उसकी आंटी हेमा से मिलने के लिए। वो अचानक मुझे एक्यूज़ करने लगी
और कहने लगी कि मैंने उसे मलेस किया। सर मेरी फैमिली है, वी आर रिस्पेक्टेड पीपल। सर हेमा ने तमाशा खड़ा कर दिया, कहने लगे कि ये मैटर मैं पुलिस में लेके जाऊंगी। मैंने सीधे उसे नौकरी से निकाल दिया। मैंने उसे कहा कि तूने जो उखाड़ना है उखाड़, जब मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं तो मैं डरूं क्यों। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ब्लडी ठग्स चली गई ना। शिप्रा चलता हूं मैं, शाम को लेट आऊंगा। डॉक्टर यतीन केलकर। जी सर। हम आपसे गौरी साटम के बारे में बात करने आए, जान लेना उसे। हेमा ने आपके अस्पताल में तकरीबन कितने टाइम के लिए काम किया था? सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है सर। हेमा तो याद है ना? जी सर। हेमा के साथ आपके अस्पताल में कोई प्रॉब्लम हुई थी? हमने सुना है उसने आपका काम अचानक से छोड़ दिया। क्या ये गौरी कभी आपके करीब आने की कोशिश करती थी? ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, अगर हुआ होता सर तो मुझे ज़रूर याद होता। और वैसे भी मैं स्टाफ से दूरी बना कर रखता हूँ सर, पर्सनली मैं ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता सर। ठीक है, अगर और कुछ पूछना होगा तो हम वापस आएंगे, और अगर आपको कुछ याद आए तो ये मेरा नंबर है, इस पर फ़ोन करके बता दीजिएगा। एक नाबालिग लड़की की रेप और मर्डर का केस है, मैटर थोड़ा सेंसिटिव है। ओके सर। पुलिस क्यों आई थी यहाँ पे, क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या करूंगा मैं? देखो मुझे सच सच बताओ, तुमने क्या किया है? कुछ नहीं किया है मैंने, हर बात पे शक करती हो यार। सर, सर ये प्रभा रानाडे के कॉल रिकॉर्ड्स। चलो कावड़ी, देखो जरा। डॉक्टर शिरीष रानाडे की फैमिली से संपर्क करने की सारी कोशिशें नाकाम। अंदर टीवी चल रहा है, आवाज आ रही है, लेकिन सब खिड़कियां दरवाजे बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिसेस रानाडे पुलिस है, खोलिए दरवाजा। मिसेस रानाडे, प्रिया। सब मैं क्यों गौरी को, मैं तो उस लड़की के आसपास भी नहीं गई, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। हमारे पास सबूत है, तुम्हारे फोन का लोकेशन उस वक्त उसी जगह का है। क्या कर रही थी वहाँ? मैं वहाँ गई थी लेकिन लेकिन उसे मारने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, कंप्लेंट वापस ले ले। मेरे पति ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तूने बदले में ये सिला दिया? उनकी इज्जत, उनका करियर, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ चल मेरे साथ, केस को पकड़ ले। आप जाओ प्लीज, आपको जो बात करनी आप मेरी अत्या से बात करो। देख आप जाओ प्लीज, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे अत्या से भी बात करूंगी। हम कैसे मान लेंगे जो तुम बोल रही हो वो सच है? तुम्हारे पास तो मोटिव भी था और मौका भी था। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वी आर रिस्पेक्टेड फैमिली। पता चल जाएगा गौरी के दुपट्टे और फोन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, अगर उससे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो फिर। सर मैं जब वहां से निकली थी तब मैंने वहां एक आदमी को जाते हुए देखा, उसके घर की तरफ। कौन था वो आदमी, जानती हो उसे? नहीं सर मैं उसे जानती नहीं हूँ, लेकिन एक दिन वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। सर वही बता सकता है मेरे जाने के बाद गौरी जिंदा थी या नहीं। उसका चेहरा याद है? ऑफ कोर्स सर याद है, एक बार उसने रास्ते में मुझे रोककर मेरे से बात करने की कोशिश की थी। हाँ सर, मैं यहाँ गौरी के गांव पहुँच गया हूँ, उसके घर के आसपास पूछताछ करके देखता हूँ कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई और एंगल सामने आता है क्या। जी सर, मैं आपको इमीडिएटली अपडेट करूँगा। ओके सर। हाँ सर, वो मेरे बाजू में ही रहती थी, कुछ टाइम के बाद उसके माँ बाप मर गए और वो अपने काका काकी के यहाँ रहने चली गई, और पता चला कि वो अपने काका काकी के यहाँ से भी भाग गई है। साहब एक तो दया की, उसको घर में रखा, इतना सब कुछ किया उसके लिए, फिर भी घर से भाग गई नालायक लड़की। ये तो हम भी जानना चाहते हैं,
आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी वो घर से भाग के क्यों गई? मुझे क्या पता शायद? पता नहीं या कुछ छुपा रही? सब जो कुछ था सब बता दिया मैंने, मैं क्या छुपाएगी साहब आपसे? मैं तो हैरान हूँ, मुंबई भाग गई वो भी अपनी हत्या के पास। बहुत पोची हुई लड़की है साहब। थी, अब नहीं है। थी? इसलिए उसके बारे में जो भी बोलेंगी ना, सोच समझ के बोलना। सर, ये गौरी की चाची की बातों से ऐसे लगा कि वो कुछ छुपा रही है। मतलब सपोर्ट और शेल्टर के मिलने के बावजूद गौरी का इस तरह घर छोड़ के चले जाना, कुछ सेंस नहीं बनता। एग्जैक्टली। लेकिन उसके पहले एक और बात, प्रभा नारायण के मुताबिक उसके गौरी के घर से निकलने के बाद उसने एक आदमी को गौरी के घर की तरफ जाते हुए देखा, तो चेहरा भी यार, मैंने स्केच बनाने के लिए बोला है अभी। सर उस आदमी का स्केच है प्रभा नारायण के मुताबिक। ये कौन? सर एक मिनट। सर ये तो बिल्कुल उस दूसरे डॉक्टर जैसा दिखता है जिसने गौरी की बात को डिनाई किया, डॉक्टर यतीन केलकर। मात्रे उठा लो इसको। सर चलो। अरे साहब कहाँ लेके जा रहे हो इनको? अरे बताओ तो सही इन्होंने किया क्या है? सुनिए ये सब क्या हो रहा है, क्या किया है तुमने? हाँ बताओ मुझे, मैंने कहा था ना तुमसे, इसी बात का डर था मुझे। शिप्रा कभी तो शक करना बंद करो। जी सर, गौरी को मैंने ही मारा है। लेकिन सर मैं उसे मारने के इरादे से नहीं गया था। मेरी लाइफ तो पहले से ही बर्बाद कर चुके थे वो लोग, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि डॉक्टर शिरीष के साथ भी वो लोग ऐसा ही करें। मतलब साफ साफ बताओ क्या बकवास कर रही है? अरे मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। गौरी क्या चल रही है? तो ये ऐसा क्यों बोल रही है? झूठ बोल रही है क्या? वैसे भी हॉस्पिटल में सबने देखा है कि किस तरह सारा दिन आपकी नजरें गौरी पर टिकी रहती है। 17 साल की मासूम सी बच्ची है वो। छोड़ूंगी नहीं तेरे को, पुलिस में कंप्लेंट करेगी। हाँ ऐसे कैसे पुलिस में कंप्लेंट करेगी? तेरी झूठी कंप्लेंट की वजह से मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरा करियर सब बर्बाद हो जाएगा। चल गौरी तू चल। सुन समझौता कर लेते, 50,000। चल गौरी। अरे अरे रुको, देखो 75, 75,000 ले लो और ये मामला यहीं पर खत्म करो। देखो इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, इतना ही कैश है मेरे पास। चल गौरी। हत्या ले लेते हैं ना, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है। यानी गौरी को पैसे चाहिए थे? नहीं सर, पैसे तो उस हेमा को चाहिए थे, वो तो गौरी को बस यूज कर रही थी। डॉक्टर शिरीष के मामले में भी वो वैसा ही कर रही थी जैसा उसने मेरे साथ किया। लेकिन मैंने सोच लिया था सर, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। बहुत हो गया था सर, मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया सर। सर इसके बाद मैंने डॉक्टर शिरीष की वाइफ से कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं विटनेस बनने के लिए तैयार था, ताकि हम सबको बता सके कि हेमा और गौरी पहले भी ऐसा कर चुकी है। मिसेस रानाडे, मुझे आपसे जरूरी बात करनी। मैं मिसेस रानाडे नहीं हूँ। लेकिन सर वो इतनी डरी हुई थी कि उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, इसलिए सर मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। और सर जब मैंने देखा कि वो गौरी के घर से बाहर आ रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे गौरी से जाके बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए, शायद वो मेरी बात समझे। बहुत हो गया अभी तुम लोगों का, ध्यान से मेरी बात सुन, चुपचाप ये केस वापस ले ले, बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने उस इंसान को। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्रिमिनल को रोकने के लिए खुद क्रिमिनल बन गया, पुलिस के पास क्यों नहीं गया? तुझे उसी दिन पुलिस के पास जाना चाहिए था जिस दिन गौरी और हेमा ने तेरे साथ वो सब किया। गौरी को मार कर तूने अपनी और अपनी फैमिली की पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। मतलब इस सब की मास्टरमाइंड हेमा है? क्या हुआ सर, क्या सोच रहे? एक बात खटक रही है, हर बार मामला मोलेस्टेशन का था, हेमा ने हर बार सामने वाले पे गौरी के साथ बदतमीजी करने का या उसको गलत तरीके से छूने का आरोप लगा। ये डॉक्टर शिरीष के मामले में अचानक रेप क्यों? हो सकता है इस बार वो ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शिरीष और हेमा के बीच में कोई अरेंजमेंट हो जो बैकफायर हो गया और बाद में दोनों के बीच में फूट पड़ गया। इतना तो कंफर्म है कि गौरी के साथ रेप हुआ था। मात्र अब यही पता करना,
कि ये रेप डॉक्टर शिरीष ने किया था या किसी और ने। इस केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, और ये जवाब हमें मिलेंगे हेमा से। ले आओ उसे। सर सब झूठ बोल रहे साहब। गरीब लोगों को बदनाम करना आसान होता है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हेमा तुमने इतने सालों में बहुत सारे अस्पतालों नर्सिंग होम में काम किया, और इनमें से कई में गौरी के साथ ऐसा ही हुआ, और हर बार इल्ज़ाम किसी ऐसे आदमी पर लगा जो किसी अच्छी पोस्ट पे हो, समाज में जिसकी बहुत इज्जत। तुम्हें क्या लगता है ये सब होते हुए किसी की नज़र में नहीं जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है? देखो यूजुअली हम औरतों के साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करते, लेकिन इस बार मामला एक नाबालिग बच्ची के रेप और मर्डर का है, तो सच उगलवाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं अपनी साहब, वो मेरी बेटी थी, मैं उसके साथ ऐसा क्यों होने दूंगी साहब? बेचारी, मैं तो उसे देख भी नहीं पाई साहब, कितना दुख हो रहा है मुझे। सर ये हेमा काफी पहुंची हुई है, अगर आप कहें तो फोर्स का इस्तेमाल करके सच्चाई उगलवा सकते हैं, ऐसे तो वो कुछ नहीं बोलेगी। मात्र एक अजीब बात है, पिछले दो मामलों में वो नकार रही है, 100% झूठ बोल रही है, लेकिन जब उससे इस रेप के बारे में पूछते हैं मुझे लगता है वो वाकई सच बोल रही है। मतलब वो अपना पुराना पैंतरा इस्तेमाल करने गई और वो बैकफायर हो गया, डॉक्टर ने मौके का फायदा उठा लिया। डॉक्टर शिरीष ने या फिर किसी और ने? शिरीष और गौरी का कच्चा चिट्ठा तो हमारे पास है, लेकिन हेमा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं। जरा पता करो कि गौरी के रेप और मर्डर की वारदातों से पहले हेमा किस किस के टच में थी, उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलो। सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स ऑलरेडी मंगवाए थे, आ गए, मैं लेके आता हूँ। सर कुछ पता चला? इसे देख, इनमें से कोई नाम जान पहचान का लगता है क्या? ध्यान से पढ़। ये सर, ये नाम, ये नेता है, इसके खिलाफ मैंने 5-6 साल पहले कंप्लेंट की थी। क्यों? वही चक्कर सर, एक्सटॉर्शन। जब मैंने नया नर्सिंग होम खोला था तब ये पैसे मांगने आया था। लो यहां से। पहले ही तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर चुका हूं मैं, यहां आसपास दिखाई भी दिए तो अंदर करवा दूंगा, समझे? चलो चलो। हाथ नहीं लगाने का। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। सही सही कह रहे, मैंने रिपोर्ट चेक किए थे। और लोग वोट क्यों नहीं देंगे? क्या हुआ, हमने 8 साल में सड़क का काम पूरा किया, लोगों को काम याद दिलाओ, 8 साल नहीं। ठीक है साहब, वो पुलिस आई है। पुलिस बाहर रुकने को बोलो। हमारा बाहर रुकने का वक्त खत्म और तेरा अंदर जाने का वक्त शुरू। ए, क्या नाम है तेरा? क्या रही है सब, और बिना परमिशन अंदर कैसे आए? कंप्लेंट कर दूंगा तुम सबकी। चलो निकलो बाहर यहां से। बहुत पछताओगे तुम लोग, जानते नहीं किससे बात कर रहे हो तुम। एक सेकंड में सस्पेंड करवा दूंगा, एक सेकंड में। अब समझ में आया कौन हूं? तेरी पार्टनर ने सारा सच उगल दिया है हेमा। मुंह नहीं खुलेगी, मत खोल। तेरे पार्टनर ने तेरे बारे में सारा सच कबूल कर लिया है। किस तरह तुम लोगों ने डॉक्टर शिरीष को बदनाम करने का प्लान बनाया, किस तरह रेप करवाया, किस तरह इस सब के लिए उसने तुम्हें थोड़े से ज्यादा पैसे दिए। बेटी बेटी बोल रही है गौरी को, थोड़े से पैसों के लिए बेटी को बेच दिया। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो गौरी का रेप। मैं तो वही करने वाली थी जो हर टाइम करती थी, झूठा आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रही है साहब। लेकिन सर नेता पाटिल तो बोल रहा है कि रेप का आइडिया इसी का था, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। झूठ बोल रहा है कमीना, उस दिन भी झूठ बोल रहा था। वो कह रहा था कि वो गौरी से सिर्फ मिलना चाहता है प्लान समझाने के लिए। तो ये है वो, कर पाएगी ये? मतलब कि हो पाएगा इससे? इतना बड़ा तमाशा करने के लिए दम चाहिए। पहले भी तो कर चुकी है ना साहब। तुम जाओ, अकाउंटेंट को बोल दिया मैंने, पैसे ले लो। और सुनो, आधे मिलेंगे और आधे नर्सिंग होम बंद करवाने के बाद, ठीक है? जाओ। हेमा इसे यहीं रहने दो, मुझे इससे कुछ बात करनी है।
तुम रुको, मैं आती हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं जान देगा। मैं कह रही हूँ मुझे अंदर जाने दो। मैं जान देगी। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। मैं छोड़ूंगी। ये क्या किया? ये क्यों किया आपने? ताकि सबको ऐसा लगे कि इसके साथ सचमुच रेप हुआ है। समझ नहीं आया साहब, मतलब मैं क्या करती? हम लोग कुछ भी नहीं थे उन लोगों के सामने, आखिर हम ही तो गए थे उनके पास, और अभी आधे पैसे लेने बाकी थे साहब। मैंने गौरी को समझाया, कपड़े बदल कर उसे हॉस्पिटल आने को कहा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नर्स दीदी को बुलाता हूँ, नर्स को भेजो मेरे केबिन में जल्दी। मुझे नहीं पता था साहब की गौरी के साथ ऐसा हो जाएगा। अनाथ बच्ची, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी साहब उसकी, मुझ पर विश्वास करती थी वो। क्या हुआ था गांव में? बेच दिया उसे, उसके काका काकी ने पैसे लेकर एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ शादी करवा दी उसकी। और तुमने उस बच्ची का इस्तेमाल लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा इठने के लिए किया। सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं किया साहब, वो पढ़ना चाहती थी, सच में वो नर्स बनना चाहती थी साहब। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मेरा पति हलकट सारा दिन दारू पी के पड़ा रहता था, मैं क्या करती? जो बुरा होना था साहब वो तो हो चुका, और मैंने सोचा कि बाकी के पैसे लेने अभी बाकी हैं, इसीलिए हमने डॉक्टर शरीर को बसाया साहब। तुम्हारे पास डॉक्टर शरीर से दुश्मनी का मोटिव है, और हमारे पास चश्मदीद गवाह। पटेल, तूने डॉक्टर शरीर से 6 साल बाद बदला लिया। तू हेमा के बारे में भी जानता था वो लोगों को किस तरह फंसाती है, इसलिए जैसे ही हेमा ने डॉक्टर शरीर की नर्सिंग होम को ज्वाइन किया तूने उससे कॉन्टेक्ट किया है ना? अब हमारा सस्पेंशन तो नहीं होगा, लेकिन तेरा ट्रांसफर जरूर होगा जेल में। चल ये कमले, चल चल कमले ले। डॉक्टर शिरीष, देखिए कभी कभी जस्टिस को पाने के लिए हमें कई ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो बाद में गलत साबित होते हैं, ये भी उन्हीं में से एक था। जो कुछ आपके साथ हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, बट वी अपोलोजाइज। दैट्स ओके सर, आप लोग अपना काम कर रहे थे, मेरी भी बेटी है, कल उसके साथ कुछ ऐसे ही हो जाता है तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अपना फर्ज निभाएं। प्रभा जी, मैं डॉक्टर था हूं जो गौरी के साथ हुआ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।